दिन परेशान है जिंदगी है के फिर भी प्यारी है क्या तमाशा है कब से जारी है क्या तमाशा है कब से जारी है जिंदगी है के तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एक बार फिर टीम जियो को हिरासा करने की कोशिश की गई। ये किसी दूर दराज इलाके का मंजर नहीं बल्कि कराची की मशहूर शाहराह फैसल है, जहां खुद को पढ़ा लिखा कहने वालों ने दिखाया कि वो कितने तालीम और तरबियत याफ्ता है। के कारकुनों की जानिब से जियो न्यूज को अपनी पस्त ज़हनियत का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हुआ दोपहर को, जब सीनियर एंकर मसूद रजा को रिपोर्टिंग से रोकने की कोशिश की गई। कौन सोचेगा? मसूद रजा इस सारी सूरत हाल को संभालते रहे और उस वक्त भी अपने आसाब काबू में रखे जब कारकुनों ने जबरदस्ती पार्टी मफलर और कैप पहनाई, मसूद के माथे पर शिकन तक न आई। मसूद रजा ने तो अपने अमल से सबर का दामन हाथ से ना छोड़ा, लेकिन पीटीआई के कारकुनों ने कोई सबक हासिल ना किया। शाम को एक बार फिर अपनी जहनियत का मुजाहरा उस वक्त किया जब जियो न्यूज की खातून सहाफी सिद्रा डार इमरान खान की तकरीर के बाद रिपोर्टिंग कर रही थी। बेकाबू मजमे ने जियो न्यूज की डीएसएनजी वैन को घेर कर शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। खातून सहाफी को हिरासा करने के इस शर्मनाक एडवेंचर में पीटीआई के खवातीन कारकुन भी अपने साथियों से आगे बढ़ने पर किसी तौर कम न रहीं। जब नारेबाजी और शोर हंगामा भी हौसले पस्त न कर सका तो पत्थर मारे गए, जूते दिखाए गए। मसूद रजा और सीनियर तज्जाकार मजहर अब्बास की गुफ्तगू को रोकने के लिए उनकी जानिब टहनियां भी फेंकी गईं। इखलाकियात किस चिड़िया का नाम है, खवातीन का एहतराम क्या होता है, तमीज किस बला को कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बला जाने। जियो न्यूज की रिपोर्टर उमैमा मलिक को भी ऐसी ही अज़ियतनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा जब पीटीआई के सुलझे हुए कारकुनों ने न सिर्फ वैन पर हमला करने की कोशिश की बल्कि मुगलज़ात बकते हुए अपनी सियासी तरबियत को भी आश्कार किया। अपने रास्ते दुरुस्त कर लो। टीवी चैनल के एंकर गरीदा फारूकी ने सूरत हाल में खातून रिपोर्टर को बचाने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई के कारकुन किसी को खातिर में ना लाए। क्या ये है वो नया पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ बनाना चाहती है, जहां बेसब्री, अदम बर्दाश्त और बद तहजीबी आपकी पॉलिसी होगी, जहां इख्तलाफ दलील के बजाय गालियों और तशद्दुद से किया जाएगा? आप कुछ भी करिए, लेकिन टीम जियो गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की रिवायत बरकरार रखेगी और ये हक आप हमसे नहीं छीन सकते।